बस अब बातचीत बंद, 100 क्वेश्चन देखने फटाफट। आज क्लास नंबर 7 रहेगी, क्लास 6 हो चुकी है। हर एक क्लास के 50 क्वेश्चन के हिसाब से आप 300 क्वेश्चनों को अब तक देख चुके हैं, ठीक है। आज हम आगे की 7वें नंबर क्लास देखेंगे, इसके अंदर 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए PDF सेंड कर देंगे। चलिए तो कहानी को देखते हैं। 301 नंबर के प्रश्न पर, प्रश्न है 301, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो देखो यहाँ पर प्रश्न में सबसे बढ़िया बात है 1947, 1947, 1947, 1947, डेट मीन्स आपको थोड़ा सा अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो सही आंसर क्या बनेगा? जुलाई 1947, 1947, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो जुलाई 1997, 1947। बात हो रही है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में विभाजित किया गया है? फटाफट, बड़ा आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बड़ा आसान सा है, हमें रटा हुआ है कि सर ये 22 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल के संसद में, सॉरी संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो कथनों को देखोगे, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और आखिरी है उस अच्छा सॉरी नहीं करता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, नहीं कर सकता क्षमा, है ना? कौन कर सकता है क्षमा? राष्ट्रपति कर सकता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहां पर? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन या लोथल? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है सर, कालीबंगन में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा, कहां की गई थी? कालीबंगन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को ये लाइट जब कट कर रही है ज्यादा ही परेशान कर देती है, हल्की तरह से ऑन ऑफ करना, बस सही है। निम्नलिखित किसमें? यूपीएस में हिस्ट्री का वेटेज अच्छा है, ज्यादा है, हिस्ट्री पॉलिटी दोनों का वेटेज अच्छा है। ज्योग्राफी का अब अमूमन कम रह जाते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी अच्छा आता है। नहीं नहीं सभी आप जाएगा। ये इसका रोज का ड्रामा हो गया है, पता नहीं क्यों बंद हो जाता है यार बीच में। निम्नलिखित को उनके शासन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माघवराव। तो देखिए यहाँ इन्हें इनके क्रम में, शासन क्रम में व्यवस्थित करना। अब सबसे बड़ी समस्या, इनका शासन क्रम आपको बहुत अच्छे से पता हो तब जाके कहानी बनेगी। तो मैं बता दूं, इनमें शासन क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आएंगे आपके बालाजी विश्वनाथ, अर्थात 3, और 3 केवल एक ही ऑप्शन में है। अगर आपको ये पता होता तो आप बाकी सबको डिसाइड कर सकते थे। फिलहाल आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, पर एक बार एक नज़र से देख लो। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव कंफर्म, और फिर उसके बाद माघव राव। तो ये चारों आप लोगों को देखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। हाँ नेक्स्ट,
क्रिमिनल ट्राइबस एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? क्रिमिनल ट्राइबस एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1952, 1871, 1924 या 1911? तो सही आंसर है 1871 में। क्रिमिनल ट्राइबस एक्ट कब अधिनियमित किया गया? 1871 में। नेक्स्ट, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? ये बढ़िया प्रश्न है और कई बार आया हुआ प्रश्न है डायरेक्ट। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? तो 1813 में, 1813 में, 1813 में क्या समाप्त कर दिया गया? फिर से समझ लो, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। और ये किसने करा होगा? ब्रिटेन ने करा होगा, ब्रिटेन की संसद ने करा होगा, कन्फर्म है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लगातार 6 वर्ष तक, जवाहरलाल नेहरू, जे के गोखले, अबुल कलाम आजाद या दादा भाई नौरोजी, कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा, अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेलारी, जोधपुर, जैसलमेर या फिर आपके लेह में? लेह में सबसे कम वर्षा होती है, याद रखना। यहाँ ठंड तो है पर यह सूखी ठंड रहती है, एकदम ड्राई, याद रखना, सूखी ठंड रहती है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है ना, सबसे कम वर्षा लेह में होगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वो अपने यूपी के लिए है, मथुरा जो है वो यूपी के लिहाज से है। नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में? फटाफट बताइए कहां पर स्थित है नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। कहां स्थित है नीमराणा? देखो प्रश्न जो याद नहीं है उन्हें 2 से 3 बार अपने आपको करके गुजारो ताकि याद हो जाए, जो आप लोगों को याद है वहां कोई समस्या ही नहीं है। नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल है कहां स्थित है? सर राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी में। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाईथान, नंदा देवी, कामत या त्रिशूल? तो बड़ा आराम से लग रहा होगा, कौन सा जो भारत में नहीं होगा ऐसा नाम से? तो देखो ये गोसाईथान जो है ये भारत में स्थित नहीं है, वरना ये तीनों भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए फिलहाल आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण बताइए। भूक्रोण के अंदर चक्र धाराएं, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पृथ्वी का चुंबकीय, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है इनमें से? नहीं पढ़ा, देखिए इसका कारण है भूक्रोण के अंदर चक्राय धाराएं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। प्रश्न को फिर से याद देखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? भूक्रोण के अंदर चक्र धाराएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घाट के मैदान स्थित है? तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, कौन सा देश है जहां पंपास घाट के मैदान स्थित है? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट बात करते हैं 314 नंबर प्रश्न के, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? अरब मरुस्थल, कालाहारी, अटकामा या पैटागोनियन? फटाफट बताइए। तो पैटागोनियन जो मरुस्थल है यह आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, प्रश्न को याद रखना। क्या याद रखना है कि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए पैटागोनियन मरुस्थल जो है यह आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में? तो बड़े अच्छे से याद रखना, अफ्रीका में। सवाना बहुत ही फेमस है, क्या है सवाना? घास का मैदान है ये, ठीक है ना, तो कहाँ है सबसे ज्यादा विस्तार इसका? अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास,
ब्लू मून परिघटना होती है जब, अभी ब्लू मून परिघटना कब होती है इनमें से फटाफट बताएं। एक ही माह में दो पूर्णिमा हो, एक ही कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में चार पूर्णिमाएं हो, एक ही कैलेंडर वर्ष में तीन बार एक ही माह में दो पूर्णिमा हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्लू मून की घटना इनमें से कब होती है? इनमें से किसी में भी ब्लू मून की घटना नहीं आती, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये बढ़िया है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नहीं, एनीमोमीटर नहीं कहेंगे, लक्सीमीटर कहेंगे आप, ठीक है ना? ये इसमें नहीं आएगा। प्रकाश की तीव्रता तो समझते ही, तो इससे किससे नापेंगे आप? किससे नापेंगे? इसे लक्सीमीटर से नापेंगे। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? हाँ बिल्कुल सही है, 10^-9 के बराबर होता है एक नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 10^-9 सेंटीमीटर के बराबर होता है एक नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर बनेगा। 319, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये सहारनपुर में स्थित है। जी हाँ बिल्कुल सही है, ये कहाँ स्थित है? सहारनपुर में स्थित है, यूपी का सबसे उत्तरी जिला कहलाता है। नेक्स्ट बात हो रही है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किसमें कोबाल्ट है? B12 में, ऑप्शन नंबर डी में। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में, B12 के अंदर क्या है? कोबाल्ट स्थित है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कोई है गलत है उसकी बात कर रहे हैं। ददरी मेला बलिया में लगता है, सही है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी, ये भी सही है। खिचड़ी मेला गोरखपुर, ये भी सही है। तो एक ही गलत है, ऑप्शन नंबर, हाँ मेरठ में एक ही मेला लगता है फेमस, नौचंदी मेला। नेक्स्ट 322, मुख्य बैंकों मतलब मुख्य बैंक जो 14 बैंक थे का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? ये सबको याद है, 1969 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर बनेगा। ये प्रश्न कई बार आया पर आसान बन गया आप क्योंकि काफी ज्यादा आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो बच्चा जानता है किसे, ऑप्शन नंबर बी क्यूबा को। किसे कहा जाता है? क्यूबा, ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट है आपके पास, नाबार्ड कब अस्तित्व में आया? याद रखना 1982 में। नाबार्ड कब अस्तित्व में आया? 1982 में यह अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है? हरियाणा, पुदुचेरी, दमन और दीव, दादर तथा नागर हवेली। तो देखो अगर राज्य होता तो आंसर ये सही था, पर यूटी भी साथ में लिया गया है, संघ शासित क्षेत्र भी लिया गया है, इसलिए प्रश्न थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है और आंसर बन जाता है दमन और दीव। वैसे हरियाणा से ही अगर ये हटा दो, यूटी हटा दो ना यहाँ से, तो आपका हरियाणा परफेक्ट आंसर है, लेकिन वो सिर्फ राज्यों में, हम राज्यों में और यूटी में दोनों में बात करें तो आपका आंसर क्या होगा फिर? दमन और दीव होगा, कन्फर्म है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये तो बड़ा आसान हो गया, कौन थे? जीवी मावलकर, ऑप्शन नंबर ए एकदम सीधा सीधा आंसर है, ज्यादा इसमें समय नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, धर्म या संविधान? तो हम जानते हैं इसमें सबसे श्रेणी ऊपर किसे रखा गया है? संविधान को रखा गया, ऑप्शन नंबर बी को रखा गया है। नेक्स्ट 328, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? फटाफट, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, संविधान की उद्देशिका या संविधान उपचारों का अधिकार? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, सही आंसर है संविधान की उद्देशिका, इसी को प्रस्ताव कहते हैं, प्रस्तावना जो है वो यही है।
ठीक है ना, जो आप इसकी बात कर रहे हैं अंबेडकर जी के अनुसार है ना, ये अंबेडकर के अनुसार है, अंबेडकर जी के अनुसार है, ना कि और किसी के। तो फिलहाल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। डी आप कब लगाएंगे, जब यहाँ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार, तब जाकर आप इसे डी लगाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल रही है, तो आप जानते हैं सरोजनी नायडू, ये बच्चे बच्चों को पता है, और कौन से राज्य की रही ये भी मालूम है आपको, है ना, कौन से ईयर में रही है ये मैंने प्रश्न आपको वन लाइनर में अभी लिखवाया है। नहीं, अरे नहीं, 47 तो बिल्कुल आजादी हुआ देश। आपको वन लाइनर में लिखाया गया है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा। प्रश्न को फिर देखें, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा, नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर निकलेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है, अर्थात वेंकटेश का मंदिर स्थित है कहाँ, नंदी पहाड़ी पर, तिरुमला पहाड़ी पर, पिलिगिरी गंगा पहाड़ी पर, या चामुंडी पहाड़ी पर, फटाफट बताइए। तिरुमला पहाड़ी पर, प्रश्न को सही से देख लेना, ये पूछ रहा है दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इनका मंदिर है तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं आया था, कनिष्क प्रथम के दरबार में कौन नहीं आया था, भवघोष, वसुमित्र, पार्श्व या विशाखा दत्त। तो देखो थोड़ा सा टफ तो है, और नहीं आए थे वह विशाखा दत्त, तो आपको मुख्य क्या याद रखना है कि कौन आए थे, है ना, आपको क्या याद रखना है कि कौन आए थे। ऑप्शन नंबर फिलहाल डी आंसर है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, निम्नलिखित सूफियों में से कौन कृष्ण को औलिया के रूप में माना जाता है, तो बड़ा अच्छा है, शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह बलीउल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाह बलीउल्लाह। प्रश्न को फिर से समझ लेना, सूफियों में से कौन कृष्ण को औलिया के रूप में मानता था, तो ओलिया के रूप में इन्हें कौन मानता था, शाह बलीउल्लाह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने, बड़ा इजी, औरंगजेब, बिल्कुल सही आंसर है, औरंगजेब ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी ने, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया है किसने करवाया, औरंगजेब ने करवाया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले की अगर हम बात करें, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, मतलब कि जब महाभारत का अनुवाद कर दिया गया तो उस पुस्तक का नाम क्या रखा गया, रज्जनामा रखा गया, क्या रखा गया, रज्जनामा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रखा गया। नेक्स्ट, संविधान सभा जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, का गठन, यहाँ गठन है, गठन किया गया था, बताइए किसके माध्यम से, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था, सीधी सी बात है, इन सबके द्वारा नहीं है, सीधा आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण, संविधान का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, बात कर रहा है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सरोजिनी नायडू। प्रश्न को समझो, ये कह रहा है जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, ये थोड़ा छोटा रहेगा तो देखने में थोड़ा सा समस्या रहेगी, पर बात करते हैं क्योंकि इसे बाद बड़ा करते हैं तो ये डिस्प्ले पर नहीं आ पाता, तो बात चल रही है, एक तरफ है आपके पास सूची ए और सूची दो, तो आइए देखते हैं, वैसे डायरेक्ट बात ही कर लेते हैं, आंसर इसका बनेगा आपके लिए सी, कहने का मतलब है ए का थ्री, मतलब साइमन कमीशन 1927, फिर है बी का टू है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सी का वन है, और सी का वन है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1985,
और बात हो रही है डी का 4, तो ये तो समझ गए, माल्य मिंटू सुधार 1909। तो आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल सीधा सीधा ये आंसर बनेगा। उन्नीस सौ पिचासी अभी अभी हुआ है, अभी तो निकला 1985, कल परसों, हाँ कल परसों समझ लो। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किया था? वर्नाकुलर प्रेस, फटाफट, लॉर्ड लिंटन ने, ऑप्शन नंबर एक याद रखेंगे। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? लॉर्ड लिंटन ने। नेक्स्ट 340 प्रश्न नंबर पर आ गए। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो वो है आपकी शरावती परियोजना, ऑप्शन नंबर डी की अगर आप देखेंगे तो शरावती परियोजना। प्रश्नों को परियोजनाओं में भी जोत अच्छे से याद रखना, परियोजना से प्रश्न बनते रहते हैं। नेक्स्ट, फिर से सूची वन को सूची दो से कनेक्ट करना है, तो आइए बात करते हैं। देखिए मैं सीधा आंसर की तरफ चल लेता हूँ, ऑप्शन है डी। तो ए का थ्री का मतलब है एक तरफ है सूची वन सूची टू, तो ए का थ्री का मतलब खनिज का मतलब गुजरात, और बी का फोर का मतलब है राजस्थान, सी का टू का मतलब है कर्नाटक, तो डी का वन बचा और ये क्या है उड़ीसा। इस चीज को थोड़ा सा नोट करेंगे और याद रखेंगे। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है कहां? ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से कहां पाया जाता है? फूलों की घाटी में, फूलों की घाटी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। जी हां, उत्तराखंड में फूलों की घाटी में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों में का प्रमुख स्रोत है? तो यह है गोंडवाना तंत्र। कौन सा है? गोंडवाना तंत्र है। निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों में का प्रमुख स्रोत है? तो गोंडवाना तंत्र जो है आपके इसका प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट, चिल्का झील कहाँ स्थित है? बड़ा ही आसान आ गया है अचानक से, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो आपको बताना होगा कि ये ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। नेक्स्ट, ग्रेट ऑटिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? फटाफट बताएंगे किस देश में अवस्थित है, यूएसए में, रूस में, ब्राजील में या ऑस्ट्रेलिया में? प्रश्न है ग्रेट ऑटिजियन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। 346 पर चलते हैं। प्रश्न है प्लूटो, पृथ्वी, बृहस्पति और यूरेनस, इनके साथ क्या करना है? ये ग्रहों की दूरी बतानी है सूर्य के हिसाब से, सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो फटाइए फटाफट, सूर्य के सबसे पास पृथ्वी, इन चारों में है ना, वैसे तो बुध है, इन चारों में बात हो रही, तो सबसे पहले आएगा पृथ्वी, फिर आएगा बृहस्पति, फिर आएगा आपके पास यूरेनस, फिर आएगा प्लूटो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, 347, सूर्य के प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्मन में उत्पन्न होता है, बताइए, स्तरी मेघों की जलवाष्प में, पक्षाब स्तरी मेघों के हिमरवों में, पक्षाब मेघों के हिमरवों में, स्तरी मेघों की धूल कणों में? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, पक्षाब स्त्री मेघों के हिमरवों में। देखिए थोड़े प्रश्न ये अच्छा लेवल पकड़ रहे हैं तो ध्यान में रखना। 348, रिएक्टर पैमाना निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? बहुत ही आराम से, तो भूकंपी लहरों का आयाम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, नो इशू। अमोनिया क्लोराइड का घोल है किसका, एसिडिक है, न्यूट्रल है, अल्कीन है या इनमें से कोई नहीं? अमोनिया क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए, ये एसिडिक में आएगा, किस में आएगा, एसिडिक। और आखिरी प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? बहुत ही बढ़िया, रेडॉन नहीं पाई जाती, ठीक है ना,
ये नहीं पाई जाती। तो यहां पर आपकी ये क्लास नंबर 7 खत्म हो जाती है और आपके 350% भी पूरे हो जाते हैं। अब इस तीसरे केवल 150% बचे हैं। चलिए